आगे बढ़ेंगे। इंदिरा गांधी नहर पश्चिम राजस्थान की लाइफलाइन, इन दिनों इस नहर में मुरम्मत का काम चल रहा है तो नहर बंदी हो रखी है, लेकिन ऐसे में क्या लोग प्यासे रहेंगे? प्रशासन का दावा है कि वो एडवांस में पानी भेज रहा है, उसका स्टोरेज किया गया है, लेकिन कितना पानी आ रहा है, कैसा पानी आ रहा है, इस पर सवाल पूछने पर कोई जवाब नहीं है। देखिए रिपोर्ट और गौर से देखिए। पानी की ये बोतल जयपुर भेज देनी चाहिए, भेजनी चाहिए ये बोतल जयपुर से लेकर दिल्ली तक उन तमाम नेताओं को और उन तमाम अधिकारियों को जो घर घर तक पीने का पानी पहुंचाने का दावा करते हैं। और पानी का ये होद देखकर आप यकीनन मान रहे होंगे कि गर्मियों में बेजुबान जानवरों के पीने के लिए पानी है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये पानी पश्चिमी राजस्थान के लाखों लोगों को पीने के लिए इंदिरा गांधी नहर के जरिए पहुंचाया गया है। जिस पानी को जानवर नहीं पी सकता, वो पानी हमारे हुक्मरानों ने हमारे लिए भेजा है। अब जरा ये पूरा मामला समझ लीजिए। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 60 दिन की नहरबंदी चल रही है, इस वजह से भंडारण के लिए पानी सप्लाई किया गया। 3 दिन में 500 क्यूसेक पानी भेजा गया, लेकिन बिरधड़वार हेड पर ये पानी रोक दिया गया। विभाग अब ये पानी गांवों की डिग्गियों में भरवा रहा है। अलग अलग जगहों पर ट्रैक्टर पंखी लगाकर पेयजल का भंडारण किया जा रहा है, लेकिन न तो नहर में पर्याप्त पानी आ रहा है और जो पानी आ रहा है वो बेहद गंदा और दूषित पानी है। यहाँ पर जितने भी अपने डिग्गियां सरकारी डिग्गियां बनी हुई हैं उनपे सभी पे भरने पंखी लगाकर उसका स्टोरेज किया जा रहा है। खजवाला में जैसे आज की तारीख में अभी 2 ट्रैक्टर बरमे लगा रखे हैं और 2 पंखी लगा रखी हैं, उनसे स्टोरेज को लिया जा रहा है और जहां भी अपने को आवश्यकता हो रही है उन सब तरफ में हमारा बरमे पंखी लगा के उस पानी को लिफ्ट करके डिग्गियों को भरा जा रहा है। शासन और प्रशासन कितने भी दावे कर ले, लेकिन गांवों के लोग कह रहे हैं कि सैनिटरी डिग्गियां अब भी ज्यादातर खाली पड़ी हैं। अगर वक्त रहते इन डिग्गियों को नहीं भरा गया तो आने वाले समय में आम लोग और पशु भीषण गर्मी में त्राहिमाम कर सकते हैं। और जो पानी सप्लाई हो रहा है वो ऐसा है जिसे जानवर भी और इंसान भी पी नहीं सकते। इतना गंदा पानी आया है जिसको पीने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल काला रंग का पानी है, बदबूदार पानी है, पर क्या करें, पीने को मजबूर होना पड़ता है। प्रशासन से मेरी अनुरोध है कि पानियों को फिल्टर करो और मतलब जानवर भी नहीं पी सकता, इतना गंदा पानी आ रहा है सर। शासन और प्रशासन क्या कर रहा है ये तो नहीं पता, लेकिन पंजाब की फैक्ट्रियों से केमिकल वाला पानी बीकानेर के गांवों में पहुंच चुका है। ये गंदा पानी इंसान तो छोड़िए, पशुओं और फसलों के लिए भी किसी जहर से कम नहीं है। हाजवाला पंचायत समिति की 31 ग्राम पंचायतें हैं और इन 31 ग्राम पंचायतों में करीब 3.25 लाख लोग रहते हैं। 3.25 लाख लोगों पर जहरीले पानी से बीमार होने का खतरा मंडरा रहा है। नहर की सफाई के नाम पर, रख रखाव के नाम पर 60 दिनों के लिए नहरबंदी तो की गई है, लेकिन न तो पर्याप्त पानी का भंडारण हो रहा है और न ही शुद्ध पानी की सप्लाई हो रही है। जरूरत है कि आग उगलते आसमान तले जीवन बिता रहे लोगों को शुद्ध और पर्याप्त पानी की सप्लाई हो, ताकि नहरी इलाके के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को पीने का पर्याप्त और शुद्ध पानी मिल सके। त्रिभुवन रंगा की रिपोर्ट, जी मीडिया, बीकानेर। रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए।